हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पेंसिल पाउच बनाना बताएंगे, उसको किस तरह से कट करना है और किस तरह से सिलाई करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। अगर फ्रेंड आप अभी तक मेरा चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सबसे पहले मेरा हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखिए, हम यहाँ पेंसिल पाउच बनाने के लिए पॉम्स लिया है, हमें सॉफ्ट वाला पॉम्स चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ सॉफ्ट वाला पॉम्स लिया है पाउच बनाने के लिए। पाउच का लंबाई आपको कितने इंच तक रखना है अब आप अपने हिसाब से रख लीजिए। हम यहाँ से देखिए 11 इंच लिया है और इसका चौड़ाई देखिए 8.5 इंच तक लिया है। तो देखिए, हम यहाँ फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को हम अंदर के साइड में रखने के लिए इस फैब्रिक को लिया है, बाहर के साइड के लिए हमें वेलवेट का फैब्रिक लिया है। अभी हम इसका हिसाब से काट कर लेना है। देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा काट किया है सिलाई के लिए। उसके बाद देखिए, हमें यह वेलवेट का फैब्रिक लिया है बाहर की तरफ देने के लिए, तो हम पॉम्स से भी थोड़ा सा बड़ा ही काट करना है। तो देखिए, इस फैब्रिक को हमें इस तरह से बिछाना है। बिछाने के बाद देखिए, हमें किनारे से घुमाकर सिलाई करना है, तो ये इस तरह से रहेगा। तो इसका कटिंग पूरा कंप्लीट है, अभी हम इसको सिलाई कर लेना है। सबसे पहले देखिए, हमें अंदर वाला फैब्रिक को सिलाई करना है, पॉम्प्स के साथ एक साथ सिलाई कर लेना है। अंदर वाला फैब्रिक सिलाई कंप्लीट है, अभी हम देखिए बाहर वाला फैब्रिक को किस तरह से बिछाना है। देखिए, इस तरह से बिछाना है। इसको भी हमें पहले सिलाई कर लेना है। इसका सिलाई भी कर लिया है, तो अभी हम क्या करना है देखिए, अभी हम चेन लगाना है। आप चेन को कौन सा साइड में रखना है आपका पसंद के हिसाब से रख लीजिए। हम यहाँ चेन को ऊपर के साइड की तरफ रखना है, उसके बाद यहाँ से सिलाई कर लेना है। देखिए, हम यह चेन को ऊपर की साइड में रखा है, चाहो तो आप इसको थोड़ा सा मिडल में भी रख सकती हो। उसके बाद देखिए, इसको इस तरह से पलट लेना है। उसको सिलाई करना बहुत ही आसान है। देखिए, इस तरीके से पलट लिया है। पलटने के बाद देखिए, यहाँ से हमें और एक सिलाई करना है।
देखिए इसको सिलाई करना बहुत ही आसान है। अगर फिर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखिए अंदर के साइड में इस तरह से रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मुलाकात होगा नए वीडियो के साथ अगला वीडियो में।